मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी जीत दे दो साल बाद एक बार फिर अपने ही सूबे दे वॉलंटियर तक पहुंच गए ने। जी हां, वॉलंटियर्स नाल गलबात कर रहे ने। तीजा लोकसभा चुनाव 2024 ने पार्टी के संसद मैंबर अते एलाने उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू जलंधर तो विधायक शीतल अंगुराल वालों पार्टियां बदलन तो बाद गल करिए सूबे दे वॉलंटियर्स विच असंतोष फैल गया, जिस तो बाद हुण खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे की वागडोर संभाल ली है। सो पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़न 92 सीटा जितन तो बाद 2022 दे विच पहली चोण है जद आम आदमी पार्टी एक बार फिर प्रीख्या के दौर दे विच लगेगी। इस दे नतीजियां दा असर आने वाली निगम चोणां ते भी पै सकता है जो पिछले 1.5 साल तो लटक रही ने। जिस तरह 2 साल पहला आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की ताकत का सहारा लैके सत्ता दे विच आई थी, उस तरह हुण सीएम मानिक वार फिर तो वॉलंटियर्स विच उही जोश भरन दे लई पहुंचे ने ताकि असी 13-0 का टीचा हासिल कर सकन। सो मुख्यमंत्री एक दिन 2 वॉलंटियर्स मिलन जा रहे हैं अते मोगा दे विच 12 बजे जलंधर दे विच 3 बजे वॉलंटियर्स नाल मीटिंग कीतियां जाणगियां। मोगा दे विच मालवे नाल संबंधित वॉलंटियर्स हिस्सा लैणगे जबकि जलंधर दे विच दुआबा खेतर दे आगुआं दी मीटिंग कीती गई है जिस विच पिंड पद्धर दे आगू शामिल होंगे। उन्हां दे नाल पंजाब दे विच पार्टी दे राष्ट्रीय संगठन जनरल सकत्तर है जिहड़ी उह वी शामिल होंगे। 2 सालां विच मुख्यमंत्री सिर्फ रैलियां उद्घाटनी समारोह दे विच ही शामिल होए। हालात इह बण गए, कुछ विधायकां ने तां मुख्यमंत्री ते उन्हां नाल मुलाकात ना करन दे दोष लाए ने। हुण बनाए जा रहे चुनावी समीकरणां दरमियान मुख्यमंत्री नाल सिर्फ वॉलंटियर्स नूं मिल रहे ने सगों विधायकां नाल भी मीटिंगां कर रहे ने। दिल्ली तो परतण तो बाद मुख्यमंत्री हर रोज़ वख-वख जिलों दे विधायकों नूं मिल रहे ने, उन्हां दीआं समस्यावां नूं हल करन दा जिहड़ा भरोसा भी दित्ता जा रहा है। अपडेट लैके रूबरू होवांगे, देखते रहो लुधियाना लाइव।